करतारपुर कॉरिडोर निर्माण को लेकर पाकिस्तान में एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक शख्स के साथ फोटो खिंचवाई थी। इस फोटो की वजह से भारतीय राजनीति में विवाद पैदा हो गया है। इस शख्स का नाम है गोपाल चावला, लेकिन ये विवाद किस बात को लेकर है और ये गोपाल चावला आखिर है कौन, चलिए हम आपको बताते हैं। जब जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं, तब तब कोई न कोई बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू जब पाकिस्तान में हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर निर्माण कार्यक्रम में पहुंचे, तो वहां पर उनकी ली गई इस तस्वीर की वजह से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस तस्वीर में सिद्धू के साथ दिख रहा शख्स गोपाल चावला है। गोपाल चावला को मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। उसे हाफिज सईद के साथ कई बार मंच साझा करते हुए भी देखा गया और इसने भारत के खिलाफ कई बार जहरीली बयानबाजी भी की है। गोपाल चावला खालिस्तान समर्थक है। 2017 में इसने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की बात कही थी। गोपाल चावला रहता तो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कभी खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं करती। ये पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव भी है। 21 और 22 नवंबर को गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी के मामले में भी इसका नाम सामने आया था। जब इस तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ा, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ये कहा, ऐसी 5 से 10 हजार तस्वीरें मेरी पाकिस्तान में खींची गई, मुझे नहीं पता गोपाल चावला कौन है। हम आपको बता दें कि गोपाल चावला ने ही अपने फेसबुक पेज पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अपनी इस तस्वीर को शेयर किया था। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।